कुल मिलाकर आ चुके एक कोर न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। सब भाई आज वाले गेम प्ले के अंदर आपके भाई ने जो तबाही मचाई ना, मतलब क्या कुछ नहीं किया यार। M4 ग्रोजा शॉटगन और भाई स्क्वाड वाइप तो आहा देख के मजा आ जाएगा। इतने सारे किले हैं, भर भर के किले हैं भाई पूरे गेम प्ले के अंदर। और जो स्प्रे हैं भाई साहब एक नंबर। आ जा बस ये बोलने वाले हो कि सैम भाई क्या ही गेम प्ले है। बट उससे पहले यार अपन एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यार जल्दी से एक एक लाइक कर लेते हैं। और जो चैनल पर नया है ना फटाफट यार सब्सक्राइब कर लेना, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। और 90 FPS के बारे में भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम उतरते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। तो भाई साहब सबसे पहले सी बिल्डिंग उतरते हैं और क्लियर करते हैं भाई इधर के बंदे, बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पे। अब भाई मिलिट्री बेस के अंदर यहाँ पे इतने सारे बंदे आए थे, बट यहाँ पे मुझे गन मिल के नहीं दे रही थी। अब यहाँ पे मैं ही नहीं था जिसको कि गन नहीं मिली थी। अब आप देखना, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सबसे पहले छत पे जाता हूँ और आप इन बंदों को देखो। अब यहाँ पे मैं ही एक नहीं था भाई, बहुत से बंदे ऐसे थे कि जिनको गन नहीं मिली थी। अब इन दो बंदों को निपटा के मैं जस्ट इस वाली से बिल्डिंग में आता हूँ, अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई इधर आओ, मतलब मार्क करता हूँ, मेरा माइक तो बंद होता है। अब यहाँ पे जैसे आता हूँ, अब यहाँ पे देखना दो बंदे होते हैं जो कि कैंपिंग करते हैं। अब इनको देखो कैसे निपटाता हूँ और ये 1v2 देखो, बस आपको पसंद आने वाला है, देखो बस। अब यहाँ पे मुझे पता था वो लोग तो बाहर आने वाले नहीं है, तभी मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ। अब मैं बस यहाँ पे फुट सुनता हूँ कि दोनों बंदे एक ही बिल्डिंग एक ही घर एक ही कमरे के अंदर है या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे पता चलता है जैसे कि बंदा एक ही घर के अंदर है, तभी मैं यहाँ आता हूँ और उसका दरवाज़ा तोड़ता हूँ। अब जैसे ही उसका दरवाज़ा टूटा तभी एक नेड की पिन करता हूँ। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। अब एक गया, अब दूसरा बंदा देखना, मुझे पता है एग्जिट किधर होगा। चलो बेटा इसको भी निपटाते थे। अब भाई अगर ये वाला 1v2 पसंद आया ना तो यार कमेंट करके जरूर बताना। अब ये तो सिर्फ एक 1v2 था, यहाँ पे बहुत सारे अभी क्लचेस बाकी हैं, देखना बहुत मजा आएगा। बस देखो अब जैसे इनको निपटाता हूँ तुरंत की तुरंत मैं वापस रश करने चल देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ साउंड आते हैं यहाँ पे बंदों के। तो देखो अब भाई साहब मैंने भी उसको हेड दिया था, बट कुछ डैमेज यहाँ पे मैं भी हो जाता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे नेट ट्राई करता हूँ कि नेट से कुछ हो जाए, बट इस नेट से कुछ होता नहीं है। और भाई इसके बंदे अंदर अंदर से रश करने लग जाते हैं, तभी भाई मेरी फटती है और सबसे पहले मैं हील करके फॉल बैक करता हूँ। अब जैसे अंदर आता हूँ तभी भाई बंदे भी पुश करते हैं और देखो आप। अब यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ, हाथ में नेड और भाई यहाँ पे एक HP और बंदे भी करते हैं एक साथ में पुश। देखो अब मैं यहाँ पे कैसे सरवाइव करता हूँ और कैसे इन बंदों को निपटाता हूँ।
तो भाई ये वाली स्क्वाड वाइप में मजा आया ना, मजा आया तो यार लाइक कर दो फटाफट से जिसने भी नहीं किया है, और जो जो नया आ रहा है ना यार चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब याद से कर लेना। अब जैसे ही इस वाली स्क्वाड को यहाँ पे निपटाता हूँ तभी सामने की साइड से कुछ फायर आता है, तो चलते हैं सीधा उस पर रश करते हैं। अब मैं जैसे ही इधर की साइड आता हूँ तभी मुझे डाउट था कि बंदा इस वाली छत की बिल्डिंग के ऊपर है, इस वाली छत की बिल्डिंग के ऊपर नहीं, इस बिल्डिंग की छत के ऊपर है, तभी मुझे बंदा दिखता है ऊपर आती। और एक स्प्रे में इस भाई को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे इसको नॉक करता हूँ तभी मैं टीममेट को मार्क करके बोलता हूँ कि भाई चलते हैं सामने रश करते हैं। और देखो अब जैसे हम इधर आते हैं आगे तभी मुझे साउंड आता है बंदा इधर है, और मैं अपने टीममेट को यहाँ पे मार्क करके बोलता हूँ कि बंदा इधर है, तो बस तू फाइट मत लेना मैं हीलिंग करता हूँ जब तक। तो देखो अब क्या करता है ये, और भाई ये चमन निपटा देता है। अब इसीलिए इस चमन के लिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई ये बहुत ज़्यादा कई बार मेरे किल चुरा लेता है। अब इस बात पर मेरे कई भाइयों ने कमेंट भी किए थे बहुत अच्छे अच्छे अब ये वाला कमेंट देखो भाई, दिल छू लिया इस कमेंट ने तो भाई, सच बता रहा हूँ। अब आज वाले चमन की गलती के लिए, जो चमन ने किल चुराया ना, इसके लिए एक कमेंट कर देना। अब यहाँ पे एक कोर बंदा होता है, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई यहाँ पे एक कोर बंदा है, तो देखो अब इसको कैसे निपटाते हैं। अब ये देखना कि ये बंदा इतना चालाक होता है कि हम बहुत ध्यान से फूक फूक के कदम रखते हैं, क्योंकि कई बार भाई हमको ऐसे ही नूब बंदे जो होते हैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ इन बंदों के लिए, भाई बिल्कुल भी फुट स्टेप नहीं देते हैं, मतलब समझ नहीं आता बंदा किधर है। हम इसलिए बहुत ध्यान से चल रहे थे, चमन आगे चल रहा था, मैं पीछे चल रहा था, मैं आगे चल रहा था, चमन पीछे चल रहा था, मतलब कि बहुत देख लो बस, आप खाली देखते जाओ। अब जैसे फुट आते हैं तो मैं जाता हूं, अब नो डाउट ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था, मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ, लेकिन इतना भी क्या समझ के खेलना, मैं इसको इतने मौके दे रहा था ऊपर जा जाके तब भी ये बंदा बाहर नहीं आ रहा था। अब देखना ये बंदा इतना ज़्यादा चालाक होता है कि चाहता है कि मैं गलती करूँ, लेकिन भैया हम गलती कहाँ करने वाले हैं, वही गलती मैं करता हूँ। अब ये मुझे लालच देता है और मैं लालच में बाहर जाता हूँ, और मैं समझ जाता हूँ कि ये मुझे अटकाना चाह रहा है। अब जैसे मैं गलती करूँगा तो भाई ओबियसली मैं ही मरूँगा। कई बार ऐसा होता है कि आप गलती करें और आप मरे, चाहे कोई भी हो, एनिमी हो या आप हो। अब देखना इसको कैसे इसकी गलती से मारूँगा, देखो बस। अब आप देखो, अब यहाँ पे बहुत देर तक इससे फाइट करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, कि मुझे पता है कि ये सामने से गलती नहीं करेगा और ये चाहता है कि मेरे को मारना, मतलब फुल तरीके से। इसलिए मैं अब क्या करता हूँ, इसका चूतिया काट के टीममेट को उधर इसको फंसवा के और मैं इधर आता हूँ। और भाई ये देखो भाई, ये पता नहीं क्या गिलिच होता है, मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ। अब यहाँ पे बस एक नेड करता हूँ, उसको अभी तक भी नहीं मालूम शायद कि मैं इधर आ गया। भाई तुम अच्छे प्लेयर हो लेकिन तुमको यही नहीं पता मैं किधर हूँ अभी। अब जैसे ही नेड से बचा, और अब ये देखो चलो बेटा, अब भाई तुम अच्छा तो बनते हो, अच्छा खेलते हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें तो होनी चाहिए कि बंदे का फुट भी आता है, कुछ भी होता है। खैर कोई नहीं, बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था, इसको जैसे तैसे अपन यहाँ पे निपटा देते हैं। और अब इसी के साथ में मिलिट्री बेस पूरा हो जाता है खाली, तो अब इसको बस यहाँ पर जल्दी से लूट लाट के यहाँ से निकलते हैं। अब मिलिट्री बेस से निकलते ही सीधा हम स्कूल अपार्टमेंट की साइड में आते हैं, और अपने चमन टीममेट को भाई दो दो फ्लेयर मिली होती है, तो अपार्टमेंट से अच्छी जगह कहाँ हो सकती है फ्लेयर चलाने के लिए, और वो भी दो फ्लेयर। अब हमको लगा था हम यहाँ दो फ्लेयर चलाएंगे और भाई यहाँ पे स्क्वाड 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 बंदे आएंगे। तो यहाँ पे देखना होता क्या है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बंदे आएंगे, लेकिन भाई साहब हमको क्या पता था भाई यहाँ पे ऑलरेडी बंदे हैं। तो देखना अब फ्लेयर चलाते हैं और मैं यहाँ पे बंदों को देखने लग जाता हूँ कि कोई किधर से तो आ जाए भाई, एक आधी स्क्वाड तो आ जाए। लेकिन इतने में इधर आते ही भाई मुझे आते हैं साउंड, बगल में होते बंदे, मैं बोलता हूँ भाई ये क्या है, बंदे तो यहीं पे हमारा वेट कर रहे हैं, और भाई ये करते हैं पुश। तो देखो इन बंदों को कैसे निपटाता हूँ, और ये वाला स्क्वाड वाइप देख के तो भाई आपको मजा आ जाएगा, देखो बस आप खाली ये। अब देखो यहाँ पे चार चार बंदों के फुट आ रहे हैं, इतने में एक बोट आता है, जिससे कि शायद ये लोग भी कंफ्यूज हो गए थे बोट या बंदा। जैसे इसको मैं मारता हूँ
तभी भाई ये लोग रश करते हैं और देखो बहुत मजा आएगा। देखो सबसे पहले इस बंदे को पकड़ता हूँ भाई साहब, अभी अभी पेटी बनाई है और भाई को अभी पेटी लूटनी है, तो सबसे पहले इसको गोली में, अब मेरा मतलब है, इसको नॉक करता हूँ और बस अब मैं यहाँ पे इनके टीममेट का वेट कर रहा था कि भाई रश करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था यार ये लोग भी रश नहीं करेंगे और भाई ये सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव करने लगे थे। अब मैं यहाँ पे समझ गया था कि भाई ये तो रश करने वाले है नहीं, अब अपन को ही निपटाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, इसलिए मैं यहाँ से सीधा नीचे कूदता हूँ। साउंड प्रॉपर आ गया कि बंदे सीधे लेफ्ट वाले कमरे के अंदर ये सारे बंदे, तभी मैं यहाँ कुछ नेड मोली ढूंढता हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि सीधा रश करना चाहिए, नेड मोली का वेट नहीं। तो देखो अब भाई साहब क्या ही फ्री फायर में लिया, तीसरा भी नॉक और अब चौथे की बारी, चलो बेटा लॉबी जाओ। तो मज़ा आया ना, अगर ये वाला इंस्टेंट क्लच पसंद आया ना तो यार अब तो यार शेयर बनता है यार, शेयर कर देना वीडियो तो फटाफट से यार, अपने टीममेट को बताओ, अपने फ्रेंड को बताओ, अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको बताओ। यार सैम भाई हैं हमारे जो कि भाई ख़तरनाक है और उसके साथ में चमन है जो भाई एकदम ओपी है, तो बस सबको बताओ और शेयर कर दो बस इसी बात पे। और जो नया आ रहा है ना यार सबको बोलो सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी बोलो भाई सब्सक्राइब करो, तो कर दो बस यार स्पैम कर दो। और चमन के लिए कुछ स्पेशल कर ही देना। अब अपने यहाँ पे फ्लेयर आ जाता है तो अपन फ्लेयर भी लूटते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं फ्लेयर लूटता हूँ भाई, यहाँ पे ग्रोजा तो थी नहीं, अब नीचे कूदता हूँ तभी भाई यहाँ पे दूसरे वाली फ्लेयर के अंदर ग्रोजा होती है और ग्रोजा उठाता हूँ। अब यहाँ पे फ्लेयर लूटते भाई एक कोर स्कोड आती है, देखो बहुत मज़ा आएगा। जैसे स्कोड आती है टीममेट बोलता है एक गाड़ी आई है, और अब देखो इनको कैसे निपटाता हूँ। अब जैसे ही ऊपर मैं इधर आके टीपी भी ले रहा होता हूँ तभी पता चलता है कि सामने वाले पेड़ पे एक बंदा है। अब मैं यहाँ पे एक नेड पिन करता हूँ, अब ये आई बटन करने के चक्कर में ख़राब हो जाता है थोड़ा, तो दोबारा करता हूँ और नेड एकदम प्रॉपर जाता है, लेकिन अफसोस कि नेड से ओनली डैमेज ही होता है, पता नहीं शायद, लेकिन मौका मिलते ही ग्रोजा से नॉक कर देता हूँ। अब इसको नॉक करते ही मैं एक बार नेड फिर से करता हूँ, अब पता नहीं क्या हो रहा था, नेट तो एकदम सही जा रहा था लेकिन ये थोड़ा जल्दी फेंक दिया तो दूर चला गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे उसका टीममेट एक स्मोक कर दिया था, तभी मैं समझ गया कि इसका टीममेट अब इसको जरूर रिवाइव करने जाएगा। अब यहाँ पे मैं रुकने वाला कहाँ था भैया, मैं लेफ्ट साइड से जैसे कूदता हूँ सामने वाली बिल्डिंग में, मुझे पता था उधर से जाऊँगा पूरा एंगल मिलेगा, तो पहले सबसे पहले भाग के बिल्डिंग में जाता हूँ। अब लेकिन जब तक मैं इधर आता हूँ तभी देखना भाई चमन आज बिल्कुल दोस्त में एक बंदा नॉक कर देता है, और आते ही इधर मैं भी अपना काम कर देता हूँ, नॉक वाले को फिनिश और भाई मेरा वाला किल भी कंफर्म कर लेता हूँ। अब इसका एक लास्ट बंदा जो कि इस बिल्डिंग के अंदर बाकी का, तो देखना सबसे पहले ऊपर जाता हूँ उस बंदे को देखने। अब यहाँ पे मुझे पता था ये बंदा बिल्कुल कैंपिंग की नौबत में है, अब मेरे पास नेड मोली भी कुछ नहीं था क्योंकि रश करूंगा तो थोड़ा रिस्क है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद नेड मोली ढूंढने चला जाता हूँ नीचे। अब फाइनली यहाँ पे मुझे एक नेड और एक मोली मिल जाती है, तो मैं एक सीधा नेड करता हूँ यहाँ आते ही, तभी मुझे साउंड आता है एक बंदे का। और भाई ये चमन पता नहीं क्या चाह रहा था, नाम भी इतना खतरनाक रखा था। अब मुझे बंदे की लोकेशन देखो दिख गया बंदा, नेट की पिन करता हूँ और भाई कन्फर्म था यार, अब कहाँ बचेगा। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय, कम से कम जाते जाते भारत माता की जय तो बोलो यार, अपन हिंदुस्तानी है तो भारत माता की जय तो बोल ही सकते हैं। तो कमेंट में आप भी एक बार भारत माता की जय बोल देना, और ज़्यादा हो तो यार जय सियाराम बोल देना एक बार, जय श्री राम। तो इसी बात पे तुम्हारे भाई ने यहाँ पे 18 किल कर लिए थे, मैच में बचे थे ओनली 4 हमारे अलावा दो बंदे। अब यहाँ से सीधे अपन अपनी लैम्बो उठाते हैं और चलते बंदों पे रश करने। अब जैसे मैं यहाँ पे रिकॉल टावर के पास आता हूँ, अब मैच में तो रिकॉल टावर है नहीं, मतलब रिकॉल है नहीं, बट मुझे फिर भी यहाँ पे अंदाजा था कि बंदे यहाँ पे जरूर होंगे। अब बंदे क्या होता है लास्ट में मोस्टली क्या होता है कि बंदे कैंपिंग करते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डरा हुआ था, फिर भी मैं सीधा अंदर घुसता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं अंदर आता हूँ तभी देखो 4 बंदे लाइव है, मतलब कि दो बंदे। अब मुझे पता था कि एक बंदा बिल्कुल जस्ट आसपास बिल्कुल है, तभी मैं यहाँ पे आके थोड़ा ऊपर देखा था कि करता हूँ। अब एक किल फीड आती है कि भाई एक बंदा तो जॉन से निपट चुका है, तो अब एक लास्ट बंदा बचा होता है जिसको कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। अब अंदर घुसते ही देखते तो बंदा इस वाले घर में भी नहीं होता, तभी समझ आ चुका था कि बंदा इस वाले घर में तो कन्फर्म होगा, तभी हम यहाँ से कूदते हैं सीधा इस वाले घर में जाते हैं। Form up on me. Help.
बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बेटा जाओ दोबारा लगाओ, दोबारा खेलो और दोबारा चिकन के लिए ट्राई करो, बट कैंपिंग करके मत करना आपकी बार। खैर आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चमन के लिए प्यारी सी चीज जरूर बोल देना, जैसे कि अभी भाई को कमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया था, भाई ने बोला चमन के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, ऐसे बोला करो चमन को तपाने में चिढ़ाने में बहुत मजा आता है, अब वो ही पढ़ता होगा तो उसको भी मजा आता होगा, तो बोल दिया करो मजा आएगा। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और 90fps का आपको बता दूं कि 90fps देखो फिलहाल के लिए BGMI वालों ने बंद कर रखा है, iOS वालों को मेरे को पता नहीं, एंड्रॉयड वाले का सबका बंद है, और अपना IQ Neo 6 में तो नहीं है, 60fps ही है, तो इसलिए बड़बक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 60fps खेलो मस्त इन्जॉय करो, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बोलो भारत माता की जय।